शख्स था नजफ करबला में, दूसरे फिरके से था, आलम दीन से बहुत बहस करता था, मानता नहीं था। इसी तरह एक रात शब जुमा दी, बहस करते रहे करते रहे, थक गया। इसने कहा सुबह शुरू करेंगे, वापस चले। वो आलम दीन वापस उसके घर गए फजर के बाद, पूछा कहाँ है? कहा वो तो हरम चला गया है। हरम? कहा वो तो मानता नहीं है, तो हरम कहाँ से चला गया? कहता बहरहाल वो उठ के चला गया। जैसे उठा इसने गांव जाके देखा कि जरी के साथ लग के गिरिया कर रहा है, रो रहा है। जब ज्यारत तवस्सुल से हटा तो बोला माजरा क्या है? रात तक तो तुम मान नहीं रहे थे, अब तुम जरी को पकड़ के रो रहे हो। कहा जब तुम गए मैं सोया, मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान में कुछ सवारियां आ रही हैं नूर में, और ऊपर से पर्चियां गिर रही हैं। तो मैंने लोगों से पूछा ये सवारियां किसकी हैं? कहा ये सैयदा की सवारी है। कहा ये पर्चियां कैसी हैं? कहा ये जिसके नसीब में ज्यारत लिखते हैं ना, उसकी पर्ची गिर जाती है। कहा मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरी भी, तो मैंने देखा एक पर्ची गिरी, मैंने खोला, मेरा नाम था। कहा मैं उठा और इमाम हुसैन की सब, खुदा हम सबको ज्यारत नसीब करे। शबे जुमा है, वैसे भी आप खुले आसमान के नीचे भी 3 दफ़ा इमाम को सलाम करें, आपकी ज्यारत हो गई। लेकिन ज्यारत कुर्बानी मांगती है। वहां जाकर भी इंसान इमाम से अपने बारे में मांगे, आप खुद तसव्वुर, मना नहीं है, मना नहीं है, वो करीम इब्ने करीम है, लेकिन आप खुद, मतलब मैं इसको इम्तिहान करता हूँ जाके, कि जरी के बिल्कुल सामने खड़ा होकर जिस सीने पर अली असगर सो रहा हो, जिसके अतराफ में कासिम के टुकड़े हों, वहां मैं इमाम हुसैन से अपने लिए मांगू, मतलब मैं खुद फंस जाता हूं, क्या करूं? मजबूर हूं, बाज़ औक़ात इंसान फंसा हुआ है, क्या करे? खुद का आए कुब्बे के नीचे दुआ मुस्तजाब होती है, मांगो, मांगते, लेकिन खुद होता है कि मतलब मौला मैं क्या, बुला लिया आपने, बड़ी बात है मेरे जैसे शख्स को, मैं कहाँ और आप कहाँ, आप कहाँ? बस एक चीज जरूर मांगता हूं, आयतुल्लाह उस्मा बहजत ने यही कहा था कि इनसे ये मांगो कि ये तुम्हें अपने आप से जुदा ना करे, बस, वरना बर्बादी है। मेरी माँ सारी जिंदगी, जब मैं दुनिया में भी नहीं आया था, मजलिसों में जा रही है, मातम आजादारी, कहाँ कहाँ मुझे बचपन में लेके जाती रही, और इंसान अपनी जिंदगी के आखिर में आकर इनसे दूर हो जाए, खसारा दुनिया वाल आखरा। मैं जाने मातर, ये दर ऐसा है, इस दर से कोई खाली नहीं गया। शख्स आया इमाम हुसैन की खिदमत में मांगने के लिए, इमाम ने दरवाजे के पीछे से दिया, उसे सामने नहीं आए। मौला सामने क्यों नहीं आए? कहा मैं उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं देखना चाहता था। हुसैन, ये है हुसैन, मेरे माँ बाप कुर्बान हों इमाम हुसैन पर। मदीना से जब ये कारवां चला, बहन ने भाई को तैयार होते देखा, बीबी जैनब ने फरमाया भैया कहाँ की तैयारी है? कहा मदीना छोड़ रहा हूं। कहा भाई मैं भी चलूंगी।
कहाँ हाँ, लेकिन अपने शोहर से इजाज़त लें। अब्दुल्ला इब्न जाफर मरीज हैं, गई बीबी की आंखों में आंसू। जैसे ही अब्दुल्ला इब्न जाफर पर पड़े, कहा ज़ैनब क्या हुआ, क्यों गिरिया कर रही हैं? कहा आप तो जानते हैं मैं अपने भाई के बगैर रह नहीं सकती। कहा इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, मुझे भी जाना है। कहाँ जाएं, ये तो हमारे निकाह की शर्त में था कि जब आपके भाई जाएंगे तो आप साथ जाएं। जाते जाते कहा कि मेरे दो बेटे ले जाइएगा, और जब भी कहीं ज़रूरत पड़े तो इन दोनों को इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दीजिएगा। करबला, ये है करबला। बहन चली, शानो शौकत से चली है। बहरहाल आप मसाइब सुनते रहते हैं, किस शानो शौकत से बहन सवार हुई मक्का, मक्का से मदीना, करबला करबला। शबे आशूर आई, इमाम हुसैन खेमों को देख रहे हैं। हर खेमे में अलग दास्तान है। असहाब अपनी कोशिश में है कि सुबह जो है वो औलाद रसूल पहले ना जाए। औलाद रसूल सोच रही है मेहमान पहले ना जाएं। माएँ अपने खेमों में अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। अजीब है करबला, अजीब है। बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों बेटों को कहा, देखो बेटा सुबह देर ना करना। ज़ैनब अपना पूरा वजूद लेके आई है करबला। अल्लाह, उम्मुल मसाइब। उम्मुल मसाइब के मायने आप पता है क्या? इससे ज्यादा मुसीबतें किसी के ऊपर नहीं आई। उम्मुल मसाइब, मुसीबतें यानी ऐसी जो क्यों कहां से, अभी छोटी सी है। मदीना में जलता हुआ दरवाजा देखा, बेटी है मां के करीब है, मां अपने दर्द बेटी को बता सकती है। बेटी को बताए मेरी मां की पसलियों में कितनी तकलीफ है। या सैयदा, या सैयदा, चंद दिन का मेहमान रह गया आपका बेटा, इनायत कर दें, करम कर दें हमारे ऊपर। खताकार गुनाहगार हैं, जंग आलूद है मेरा कल्ब। सैयदा अपनी बेटी के वास्ते करम कर दें। वक्त गुजरा, अपने 19 रमजान को अपने बाबा के सर पे पट्टी देखी। वो अली जो सबको खामोश करा रहा है, दलासे दे रहा है, जैसे ही बेटियों को देखा अली बलक बलक के रो रहा है। सबर नहीं कर पाया अली। या अमीरुल मोमिनीन, ये कूफा आपका है, बेटियां घर में हैं, 61 हिजरी का कूफा, यही आपकी बेटियां हाथों में रस्सियां होंगी। मौला कैसे बर्दाश्त होगा? बाप को देखा, भाई हसन को मदीना में देखा, तश्त में अपने भाई के कलेजों को, टुकड़ों को देखा। कितनी मुसीबतें देखती हुई आई है। आ गया आशूर, रोजे आशूर, भाई के साथ साथ जो जनाजा आता है भाई के पास, भाई को पीछे ना छोड़। बास मकातिल लिखते हैं कि हजरत अली अकबर जब गिरे हैं, इमाम हुसैन से पहले बीबी ज़ैनब पहुंची है। बहन जानती है भाई को अली अकबर कितना प्यारा। ज़ैनब जाओ ना मेहरम, साथ साथ है हर जनाजे पर, भाई को परेशानी ना हो।
बच्चों को लेकर अपने भाई के पास आई। भाई ओनो मोहम्मद को इजाजत से, अब कैसे इमाम हुसैन इजाजत दे बहन के लखते जिगर। बहरहाल बहन ने सरार किया, इजाजत मिली। दोनों अली के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते। उलट दिया दुश्मन को, मगर प्यासे थे, थक गए। एक भाई गिरा, थोड़ी देर में दूसरा भी गिरा। जैसे ही गिरा अपने मौला को आवाज दी, मेरा मौला ना जाने किस किस मकाम पे कैसे कैसे पहुंचा है, अब कैसे लेके जाए बहन के पास, कैसे लेकर लेके पहुंचे। अहले हरम की खवातीन ने देखा बीबी जैनब नजर नहीं आ रही, नजर नहीं, वरना बीबी जैनब हमेशा पहले नजर नहीं आ रही, समझी खेमे में बेहोश पड़ी हुई होंगी। अब खेमे में जाकर क्या देखा, बीबी का सर सजदे में है। बीबी कह रही है परवरदिगार, परवरदिगार मैंने दो निशानियां भेजी हैं। खवातीन ने कहा जैनब ओनो मोहम्मद आ गए, कहा ओनो मोहम्मद आ गए। अब जाकर क्या देखा कि दोनों लाशें पड़े हैं, इमाम हुसैन सर झुकाए खड़े हैं। अरे बीबी जैनब ने दोनों बदनों को किनारे किया, दरमियान में सर रखा, कहा परवरदिगार तेरा शुक्र, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। हाँ ये जैनब ने कहीं रोई नहीं। बस अज़ादारा ने मोहतरम, जब 11 मुहर्रम को मक्तल के पास से इन्हें गुजारा ना और उन बदनों की हालत को देखा, हर माँ अपने बच्चे पर गिर गई, कोई किसी पर गिर गया, मगर जैनब ना गिरी। जैनब ऐसे बदन पर गिरी जिसका सर नहीं था, जिसके ऊपर लिबास नहीं था, जिसकी कोई निशानी नहीं, ये किसका बदन है। मगर जैनब जानती है, खुशबू जानती है, अरे ये मेरा भाई हुसैन है। तकब्बल बिल्लाह आज़ल कुर्बान।